2 मिनट में अपनी बात शुरू करेंगे, एक बार बाकी सभी साथी जुड़ जाएं। तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। आप सभी इस लड़ाई की जीत के बधाई पात्र हैं। जिस तरीके से लगातार आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और कॉलेजों के गेट पर बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर और इस सरकार को, इस प्रशासन को झुकाने का काम करा, मैं आप सभी को, हरियाणा के हर उस विद्यार्थी को जिसने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, मैं हर एक उस साथी को आज यहां बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से आप मुझसे पहले हर चीज के लिए अपडेट हैं, आपको पता है कि वाइस चांसलर ने अपना फैसला वापस लिया। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले फेसबुक लाइव में बताया कि हम सब अगर एकजुट होकर, अगर एक स्वर में इस प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो 100% प्रशासन को हमारी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। और जिसका जाता जीता जागता सबूत आज आप लोगों ने देखा है, और आपके मात्र एक ट्रेलर से ही अभी हमने सोमवार की कॉल दी थी कि हम सोमवार को हजारों विद्यार्थी प्रशासन के खिलाफ उस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर इकट्ठे होंगे और इस घमंडी और अड़ियल वीसी को इसका फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। एक ट्रेलर मात्र से ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सीआईडी ने बकायदा, जिस प्रकार के आप व्हाट्सएप के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जिस प्रकार से आपका उसके अंदर सलाम निकल के आ रहा था युवाओं का, उससे प्रशासन डर गया, उससे हरियाणा सरकार डर गई और इससे मजबूरन होकर वाइस चांसलर को अपना जो है फैसला वापस लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा कि ये जो जीत है, ये पूर्ण तरीके से जो छात्र शक्ति आज एक एकजुट हुई है, जिस प्रकार से पहले भी हमने हरियाणा सरकार को 4 बार घुटने में लाने का काम करा और आपके हकों में फैसला दिलवाने का काम करा, उसी प्रकार आज आपकी जो लड़ाई है, आपने जो इतना संघर्ष किया, आज आप लोगों ने अपने कॉलेजों से बाहर निकलकर और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया, आज उसकी आज जीत हुई है। तो मैं आपको और जो जो एक एक व्यूअर है, चाहे किसी ने छोटा सा ट्वीट ही करा हो, चाहे किसी ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ही डाली हो, उसको भी मैं आज इस लड़ाई की, इस जीत की मैं बधाई देता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों मोड़ खोल दिए हैं। उन्होंने बोला है कि ऑफलाइन मोड में भी जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहे वो परीक्षा दे सकता है, उसके अलावा जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मोड से परीक्षा देना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन मोड से परीक्षा दे सकता है। तो मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले का जो है स्वागत करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई विद्यार्थियों ने, कई हमारी बहनों ने, कई साथियों ने, हमारी एनएसए की, पानीपत की टीम है, कुरुक्षेत्र की टीम है, करनाल की टीम है, अलग अलग जगह से सभी साथियों ने इस लड़ाई में संघर्ष किया, तो वो सभी साथी भी इस लड़ाई की, इस जीत का जो है श्रेय उन सभी को जाता है। तो मैं अकेला, जैसे मैंने उस दिन बताया कि मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं जीत सकता था, परंतु जिस प्रकार का सहयोग आप लोगों ने किया, जिस प्रकार से हमने अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में चैनलाइज करी, जिस प्रकार से हमने एक स्वर में सरकार के खिलाफ और वाइस चांसलर के खिलाफ आवाज बुलंद करी, आज उसका ये नतीजा है। और मैं आज बहुत खुश हूं, मुझे लगता है कि आप सब भी बहुत खुश होंगे, आप सभी साथियों ने बहुत काम किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपकी परीक्षाएं आएंगी तो मैं ये आपको बेस्ट विशेष भी देता हूं अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, एनएसयू हरियाणा की तरफ से, कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षाएं देकर आए और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर आप अपनी परीक्षाओं में पास हो।
एक मैंने इस मुद्दे में, क्योंकि मैंने परसों भी दो दिन पहले जब मैंने फेसबुक लाइव किया तो मैंने उसमें स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक कोई एनएसयूआई की लड़ाई नहीं है, परंतु आज कई पॉलिटिकल छात्र संगठन इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारी आज जीत हुई है। ये वही छात्र संगठन है जिनकी वजह से हमें यह संघर्ष करना पड़ा, जिनकी वजह से वाइस चांसलर ने बकायदा हमारे डेलीगेशन को बोला कि कुछ छात्र संगठन ऐसे थे जो कि यह चाहते थे कि ये परीक्षाएं और यूनिवर्सिटी जो है खुले ऑफलाइन मोड में हो, उनकी वजह से वाइस चांसलर ने यह फैसला लिया था। परंतु अब जब विश्वविद्यालय का विद्यार्थी वाइस चांसलर के सामने खड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामने खड़ा हो गया, तो उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से उन छात्र संगठनों तक भी मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, अगर आप सच में छात्र हितैषी हैं तो आपको छात्रों के साथ खड़े होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था। अब जब ये काम हो गया, अब जब ये फैसला हो गया है, तो उसमें अब आप आकर और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और आप इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये कार्य करके दिखाया। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लाखों विद्यार्थियों को आज सलाम करता हूं और मैं आप तक, उन छात्र संगठन तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना ही मैं चाहता कि इसका कोई राजनीतिकरण किया जाए, परंतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र समझता है कि किसने सड़क से लेकर, किसने सड़क से लेकर और ऊपर तक छात्रों की लड़ाई लड़ी। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू।